दोस्तों, झारखंड सरकार एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ता जिसका भार 5 किलोवाट तक है एवं कृषि कार्य हेतु IS कनेक्शन है, वैसे उपभोक्ता जिसका बिजली बिल बकाया है, उन उपभोक्ताओं का बिजली माफी योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल मनीटेक इन्फो में स्वागत है। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, फॉर्म कहां जमा करना होगा, इन सभी नियमों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यह झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निर्गत पत्र है जिसमें इस योजना का विवरण दिया गया है, जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन इस लेटर में दिया गया है, जिसे समझते हैं। ग्रामीण घरेलू शहरी घरेलू उपभोक्ता जिसका लोड 5 किलोवाट तक होनी चाहिए, इससे अधिक लोड वाले उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ ही सिंचाई एवं कृषि कार्य हेतु IS कंज्यूमर भी इसका लाभ ले सकते हैं, जैसे टैरिफ DS1A, DS1B, DS2 एवं IS1 कनेक्शन जिसका लोड 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक होनी चाहिए, ये सभी उपभोक्ता का बकाया बिजली है तो इस OTS योजना का लाभ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजली विपत्र दिसंबर 2022 में विभाग की ओर से दिया गया होगा, उस बिल में जितना बकाया राशि DPS एरियर लिखा हुआ होगा वह अमाउंट माफी योजना में लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत 31/12/2022 के बाद का बकाया राशि पर यह योजना लागू नहीं होगी। दिसंबर 2022 में जितना एरियर होगी वह अमाउंट ही OTS योजना में एलिजिबल होगी। जो उपभोक्ता पूर्व में इस बिजली माफ़ी योजना 2021 में जो लागू जून 2021 से दिसंबर 2021 तक थी, उस समय जो उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं, वह उपभोक्ता इस बार का OTS योजना में लाभ नहीं मिलेगी। अगर बिजली बिल अधिक बकाया है, एक बार में जमा करने में सक्षम नहीं है, तो आप लोग किस्त के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 5 किस्तों में जमा कर सकते हैं। वह किस्त बकाया बिल का 20% से कम नहीं होना चाहिए। यह स्कीम किसी भी FIR योजना की राशि के मामले में लागू नहीं होगी। यह OTS स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक लागू होगी। जो उपभोक्ता अपनी किस्त भुगतान करने में चूक जाते हैं, वह OTS योजना के लिए आगे नहीं माना जाएगा, उनके द्वारा दिए गए भुगतान की सामान्य भुगतान के रूप में माना जाएगा और OTS की पूरी छूट नहीं मिलेगी। जिस उपभोक्ता का बिजली बकाया के कारण लाइन डिस्कनेक्शन कर दिया गया है, वे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और फिर से लाइन चालू करा सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए एक फॉर्म भरकर देना होगा, जो इस प्रकार का फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में फुल डिटेल्स के साथ भरकर आपके नज़दीकी सब डिवीज़न ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा करना होगा। अगर इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म कैसे भरना है उसे फुल डिटेल्स के साथ बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों की नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।